जिनेंद्र बंधु, कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में अभिनंदन है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। बंधु, क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? आप किसी के लिए धन खर्च कर रहे हैं, किसी के लिए समय खर्च कर रहे हैं, किसी के लिए अपने बैंक बैलेंस खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? एक सपोर्ट तक नहीं मिल रहा है। क्योंकि बेशक आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ भी करें, लेकिन सपोर्ट तो आपको चाहिए होता है। क्या आपने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? अपना 100% 200% किसी के लिए भी देने के वक्त आप कुछ भी नहीं सोचते हैं, लेकिन कोई आपको अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत टाइम लगाता है और टाइम लगा के भी यही कहता है, सॉरी भाई, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। क्या आपने सोचा इसका क्या कारण हो सकता है? कौन सी दिशा आपकी खराब है जिस वजह से ये चीज हो रही है? सपोर्ट किसी भी चीज का हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स का, आपके बच्चों का, आपके दोस्तों का, आपके बॉस का, आपके बिजनेस पार्टनर का, किसी का भी। सपोर्ट तो सपोर्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी लाइफ में, किसी का सपोर्ट मिलना। किसी के सपोर्ट के बिना कई बार हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें जानना जरूरी होगा कि आखिर क्या कारण है उसका, कौन सी दिशा हमारी विपरीत है। चलिए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं जो लगातार आपको मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, जो लगातार आपको गाइड देते आ रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि रेकी के माध्यम से आप किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं, आपको वास्तु के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपको ज्योतिष के बारे में भी बता रहे हैं। क्योंकि समस्या कोई भी हो, समाधान आपके पास ही है, हमारे आस पास ही है, हमारे नेचर जो है उसके आसपास घिरी हुई है, तो हमें जानना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए बिना देरी के उनका अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में, डॉक्टर प्रदीप जैन जी एवं डॉक्टर प्रिया जैन जी का स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत टाइम से हम बहुत चीज़ों पे बात कर रहे हैं और पिछले कई एपिसोड से अगर हमारे दर्शक भी हमसे जुड़े हैं तो ये तो समझ ही गए होंगे कि दिशाएं कितनी अहमियत रखते हैं हमारे ज़िंदगी में। हम चार दिशाओं का जिक्र करते थे, हमें 16 दिशाएं मिली, दिशा की सब दिशा भी मिली, सब सब दिशा भी मिली। जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन्होंने लगातार ये चीज़ें पाई होंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं सपोर्टिंग की, सपोर्ट मिलना किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे दर्शकों के लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरत। क्या कारण होता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्यों ऐसा होता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता हमारी पूंजी, सारी जमा पूंजी लगाने के बावजूद भी? महानुभाव, लगातार कई महीनों से आप हमारे जुड़े हुए हैं, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारा उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आप जानना चाहते हैं। आपके फोन कॉल, आपके SMS, आपके व्हाट्सएप निरंतर हमें मिलते रहते हैं। हमारी भी पूरी कोशिश रहती है और दिल जानते हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन के मास्टर स्वयं बने, अपने आप को समझें, अपनी दिशाओं को समझें और अपनी दशाओं को बदलें। जैसे आज बात करी मैम ने कि सपोर्ट, जी हाँ, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी की सपोर्ट मिलना, किसी को कंधा मिल जाना। अगर मेरे पास कोई दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है या कोई खुशी का अवसर है लेकिन मुझे कोई सहारा ही नहीं है, मैं किसी के कंधे पर रखकर अपना सर रखकर सो ही नहीं सकता, किसी के कंधे पर रखकर अपना दुख रो भी नहीं सकता और कोई किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता, तो मेरा सारा धन वैभव बेकार है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारे घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा खराब हो, कोई वास्तु दोष हो, तब ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में अवश्य ही आती चली जाती हैं। हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को सही रखना चाहिए क्योंकि जो इसके गृह देवता माने गए हैं वो चंद्रमा माने गए हैं। ये मून से रिलेटेड जोन है और मून चंद्रमा मन की शांति देने वाला, मन को आनंद देने वाला, हमारे सपोर्ट सिस्टम को अच्छा करने वाला, लोगों से मेल मिलाप करने वाला है। चंद्रमा और उत्तर पश्चिम दिशा दोनों एक ही है, वाटर एलिमेंट है, ये सपोर्टिंग सिस्टम है। दूसरा, इससे भी बढ़कर ये बैंकिंग की जोन है। हम पैसा पश्चिम से कमाते हैं, नॉर्थ ईस्ट से हमें क्रिएटिव पर माइंड आती है, साउथ ईस्ट में
हमें लिक्विड कैश मिलता है, लेकिन जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं, जीवन में कुछ और बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट सिस्टम की और बैंकिंग की जरूरत पड़ती है। बिना बैंक की सहायता लिए, बिना बैंक के लोन लिए हम कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते। आज दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, सभी का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होता है, तभी वो बड़ी बड़ी डील, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े इमारत खड़ी कर देते हैं। अगर बैंकिंग सपोर्ट नहीं हो, बैंकिंग सिस्टम सही नहीं हो और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन खराब हो, तो ना तो उनको सपोर्ट मिलेगी और ना उनको बैंकिंग की सहायता मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि जिनके पास सब कुछ था, प्रॉपर्टी 200-200 करोड़ की है, लेकिन उनको 20 करोड़ का लोन भी नहीं मिल पाता, उनको 5 करोड़ का लोन भी नहीं मिल पाता। समस्या दिखने में तबाही तो पता चला कि उनका नॉर्थ में डायरेक्शन खराब है, उनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। इन दोनों स्थितियों को हमें ठीक करना चाहिए। तो नॉर्थ में डायरेक्शन हमारे घर की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो कैश पैसा है, जो बैंक में रखा है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उस पर बैंक लोन ही नहीं दे सकता, उस पर आपको बैंकिंग का सपोर्ट नहीं मिल सकता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग कहेंगे कि क्या बैंक से लोन लेना जरूरी है? दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं होगी, चाहे बड़ी से बड़ी बिल गेट्स की कंपनी हो या रिलायंस ग्रुप हो, अंबानी की कंपनी हो, कोई भी टाटा की कंपनियां हो, कि अपना पैसा कितना भी है, लेकिन बिना बैंकिंग सपोर्ट के वो कहीं भी आगे सपोर्ट और सर्वाइव नहीं कर पाती। बैंकिंग सिस्टम हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पाता, तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, हमारे यार दोस्त बहुत अच्छे हैं, हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, हमारे क्लीग बहुत अच्छे हैं, हम उनसे सपोर्ट ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब भी नॉर्थ में डायरेक्शन खराब होगी, तो आपको अगर बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आपका कोई भी रेटिंग, आपका कोई भी फ्रेंड्स, आपके कोई भी जानने पहचाने वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट वो कैसी भी हो सकती है, वो केयर हो सकती है आपकी, वो पर्सनली अट्रैक्शन हो सकता है आपका, वो फाइनेंस हो सकता है, या कोई और एजुकेशनल सपोर्ट भी हो सकती है। बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे स्कूलों में एजुकेशन लेने के बाद भी उनको कोई अच्छे गाइडर नहीं मिल पाते, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, जिससे वो ट्यूशन ले सकें, जिससे कोचिंग ले सकें, जिससे सपोर्ट ले सकें और अपने एम को, अपने डिजायर्स को, अपने अचीवमेंट को पा सकें। क्यों? क्योंकि आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन खराब है और आपकी कुंडली में मून की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। जी प्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पे, जैसा कि सर ने यहाँ पर हमें बताया कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, आप रेकी एक्सपर्ट हैं, इस तरीके की दिक्कत जब आती है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो जैसा सर ने बताया, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, वो हम फिनेंशियली की बात नहीं करते, हम इमोशनल चीज़ पर आते हैं। तो सपोज़ कीजिए कोई दूर बैठा हुआ है और हमसे नाराज़ है, हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हम रेकी के माध्यम से उसे वो हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल जी, हम रेकी के माध्यम से भी उसको ठीक कर सकते हैं। रेकी में हम एक पॉजिटिव एनर्जी उसको भेज सकते हैं चक्रास के ऊपर उसकी, कि उसका और मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देता है, वो मेरे से बहुत प्यार करता है। जब वो हम वाइब्रेशन सामने वाले को भेजेंगे, तो अपने आप हमें उसका सपोर्ट मिलने लगता है। और हमारा ऐसे डेली लाइफ में भी होता है, कई बार हम बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं और हमारे मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव चल रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता, दो या तीन दिन बाद या हफ्ते भर बाद सामने वाले के मन में भी वो वाइब्रेशंस महसूस होने लग जाती है, उसका और आपका रिश्ता ब्रेक हो जाता है। आपने मुंह से कुछ नहीं कहा, कोई आपने फाइटिंग नहीं करी उसके लिए, कोई आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ आपने एक थॉट क्रिएट किया, आपके मन में कोई नेगेटिव भाव आए, वो सामने वाले के मन में भी आ गए। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं रेकी, कि आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, और हमारे और आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा कि आपने कभी अपने स्कूल फ्रेंड के बारे में सोचा, या अपने टीचर के बारे में सोचा, या अपने किसी गुरु के बारे में सोचा, और आपको तुरंत उनके दर्शन हो जाते हैं, ये वो आपके घर आ जाते हैं, या आपको उनकी फ़ोन कॉल आ जाती है और आप कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें याद ही तो कर रहा था और तुम्हारा फ़ोन भी आ गया, तो ऐसा कैसे हुआ? वो सब हमारा टेलीपैथी काम करती है, हमारी रेकी शक्ति काम करती है, यूनिवर्सल एनर्जी काम करती है, वो वाइब्रेशन अपने आप सामने वाले के पास पहुंच जाती है। तो कहीं पर भी यदि किसी की लाइफ में किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, तो वो रेकी के माध्यम से भी उसको ठीक कर सकता है। तो आप
रेकी के माध्यम से उस चीज को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी चीजें आपकी लाइफ में सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं आपको। जी बिल्कुल। तो इसमें अगर हम भक्तामृत स्तोत्र की बात करें तो कौन सा काव्य बहुत उचित होगा? बिल्कुल, भक्तामृत स्तोत्र का जो 12वां नंबर काव्य है वो हमारी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, वो टूटी हुई चीजों को जोड़ता है। मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो मैं 12वें नंबर श्लोक को बोलती हूँ ट्यूफिक्स, कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें टूट गई हैं तो उसको जोड़ देता है। तो आपकी लाइफ में यदि कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, वो सपोर्ट सिर्फ बैंक का सपोर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हमारे पास हमारे दो बच्चे हैं, हम उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने सोचा है कि उनके लिए ये प्लानिंग करें हम आने वाले कल में, ये हमें इस तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब वो सपोर्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि कहाँ मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या सोच रहा था, क्या प्लानिंग्स बना रहा था, और एकदम से इन्होंने सब कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ब्रेक कर दी, तोड़ दी। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं लेकिन वहाँ जब वो चले जाते हैं तो वापस लौटते नहीं हैं। वो सब कुछ सोचते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि वो आने वाले कल में उनका सपोर्ट करें, लेकिन जब पेरेंट्स को सपोर्ट की जरूरत होती है उस टाइम पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो 12 नंबर श्लोक का पाठ भी कर सकते हैं और रेकी के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी को भी भेज सकते हैं कि जो भी कोई सपोर्ट सिस्टम उनको नहीं मिल पा रहा है वो उसको बैलेंस करें, अपनी लाइफ में एनहांस करें। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम रेकी के माध्यम से और भक्तामृत स्त्रोत के माध्यम से हम इतने स्मूथली अपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो हमें डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, नहीं करना चाहिए। जब तक हम कोई बहुत मेजर वास्तु दोष नहीं हो या कुंडली में बहुत बड़ा कोई इशू नहीं हो या जैसे कहते हैं चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगा हो या अन्य कोई दोष नहीं हो, तब तक हम कहते हैं कि रेकी और नेचुरल भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से, नेचुरल रेमेडियो के माध्यम से ही हमें अपनी लाइफ को, अपने घर को हील करना चाहिए। और अक्सर हमने बहुत सारे ऐसे प्रयोग करके देखे कि जहाँ हमने वास्तव में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, हमने सिर्फ माइंड सेट किया, उनके दिमाग को एक पॉजिटिव मैसेज भेजा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी उनके अंदर और उन्होंने अपने वास्तु को एक अच्छा वास्तु माना, अपनी कुंडली को अच्छा माना और रेकी हीलिंग करना सीखा उन्होंने, वो खुद ने भी करा और हमने भी महीने दो महीने कभी कभी समय ज्यादा भी लग जाता है, दो दो तीन तीन महीने हीलिंग करी तो वो जो ब्रेक नहीं कर सकते, जिनको जिन स्ट्रक्चर को हम तोड़ नहीं सकते थे, जहाँ वास्तु की रेमेडी नहीं कर सकते थे, वहां सिर्फ मंत्र हीलिंग के माध्यम से और रेकी हीलिंग के माध्यम से वहाँ बहुत सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आपसे बात करूँ, एस्ट्रोलॉजी में हम अगर इस दिशा की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की दिशा की बात करें तो किस प्रकार से देखा जाएगा? एस्ट्रोलॉजी में इस दिशा के बारे में मैंने बताया कि चंद्रमा इस ग्रह इस दिशा को प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा मून जिसको कहते हैं हमारे मन को कंट्रोल करने वाला है। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, मूड स्विंग हो जाते हैं, नींद फीम नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि चंद्रमा हमारी कुंडली में खराब और अशुभ ग्रहों के साथ संपर्क बनाई और चंद्रमा देखिए हमारा मन है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा प्योर है। आप किसी के सिर पर हाथ रख देते हैं, ब्लेसिंग्स दे देते हैं, तभी हमारा मन उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। और यदि सिर्फ सामने वाले ने आपको सिर्फ एक बार ये कह दिया कि ये तो कुछ काम ही नहीं करता तो उसके प्रति आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। सिर्फ एक वर्ड उसने बोला जो उसे आपके साथ पास में जो भी रिलेशन था वो आप सब कुछ क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। लेकिन हमारा जो मन है वो इतने ज़्यादा एक्टिव है कि तुरंत तुरंत उसके ऊपर प्रभाव आने लगता है। आप सब देखते होंगे पूर्णमासी के दिन कितने लोगों के जो है प्रॉब्लम रहती है, अमावस्या पर कितने लोगों को प्रॉब्लम रहती है। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम चंद्रमा का हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। समुद्र में ज्वार भाटा भी कब आता है? जब चंद्रमा जो है वो पूर्णमासी पर होता है तभी जो है समुद्र में समुद्र भाटे आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। तो इसलिए हमें देखना होगा कि हमारा जो मन है वो बैलेंस रहे, वो संतुलित रहे, वो एनर्जाइज रहे, कि किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव भाव मेरे मनस को, मेरे मन को पीड़ित ना करे। क्योंकि यदि वो पीड़ित हो गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पूरे माइंड के अंदर सामने वाले के प्रति वो सारी नेगेटिविटी थॉट क्रिएट होने लगते हैं, अपने आप बॉडी जो है वो मेलाटोनिन रिलीज करने लगता है, वो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, सब चीज़ों को हम आप एकदम ग्रैप्स कर देते हैं कि उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। जब चंद्रमा लाखों किलोमीटर दूर होकर भी धरती से और इस विशाल समुद्र को प्रभावित कर देता है जिसमें 70% वाटर है, तो क्या वो चंद्रमा लाखों किलोमीटर दूर होने के पश्चात इस शरीर को, इस मन को और इस दिमाग को अनियंत्रित नहीं कर देता होगा, निश्चित करता होगा? वो चंद्रमा पूरी तरह से मन से जुड़ा हुआ है, जैसे वो धरती के साथ जुड़ा हुआ है कि जब भी
अमावस्या आती है, पूर्णमासी होती है, तो धरती पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है, राहु केतु ग्रह के साथ बैठा हो, अशुभ ग्रहों के साथ संपर्क, युति, स्थिति या दृष्टि दोष हो, तब उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पूर्णमासी और अमावस्या के दिन देखने को मिलती है। भारतीय परंपरा में बहुत सारे पर्व और त्योहार अमावस्या और पूर्णमासी के दिन मनाए जाते हैं, जिसमें विशेषकर एक त्योहार मनाया जाता है होली। होली फागुन मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। कहते हैं कि होली वाले दिन चंद्रमा अपनी पूरी स्वभाव पर होता है, पूरी रोशनी के साथ, पूरे तेज के साथ प्रकाशित होता है संसार में, और उस दिन अक्सर लोगों के दिमाग मति भ्रम हो जाता है, और इसलिए एक सामूहिक फेस्टिवल का नाम कर दिया कि होली के दिन सब लोग मिलकर बेवकूफी करें, सब लोग पागलपंती करें, सब लोग मस्ती करें, एक आनंद उत्साह आह्लाद करें, जिससे किसी किसी को ठेस ना पहुंचे। तो चंद्रमा इतना जबरदस्त हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी धरती को और हमारे पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल में करता है। जब वो पूरे धरती को कंट्रोल में कर सकता है, नियंत्रित और अनियंत्रित कर सकता है, तो क्या जिस जोन का वो मालिक है, नॉर्थ वेस्ट जोन, क्या अगर वहाँ कोई वास्तु दोष हो तो क्या उस घर में रहने वाले लोगों को वो प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हमें अपने सपोर्टिंग सिस्टम के लिए, हमें बैंकिंग सिस्टम के लिए, अपनी विक्ट्री के लिए, अपने मूड को श्रिंक होने से बचाने के लिए, और खासकर अपने रिलेशन को लोगों के साथ अच्छा रखने के लिए, हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि वही एक डायरेक्शन है जो हमें सपोर्ट देती है। विदाउट सपोर्ट हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। एक हम किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हैं, चाहे हमारे घर में सास ससुर हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, सबके साथ क्या चाहिए हमें? किसी को कोई पैसा नहीं चाहिए किसी से, एक सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट ही उनके लिए सब कुछ बन जाता है। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। एट प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो सपोर्ट सिस्टम बैंक का सिस्टम है, लेकिन एशियन टाइम में हम यदि देखें तो उस टाइम पर कौन करते थे हेल्प? घर में जो लोग रह रहे होते थे, घर में जो आपके फ्रेंड्स होते थे, रिलेटिव्स होते थे। आज भी देखा जाए तो बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा कि यदि आपको किसी भी तरह के कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने फ्रेंड के पास ही जाते हैं कि मेरी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बाद में वो इंसान बैंक के पास जाता है। तो आपको अपने सपोर्ट सिस्टम को, अपने रिलेशनशिप को सबके साथ अच्छा रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है नॉर्थ वेस्ट। जी बिल्कुल। भक्तांबर स्त्रोत से अपने जीवन में आ रहे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही जानना चाहते हैं कि कैसे ये जो ग्रह हैं हमारे जीवन में कारगर साबित होते हैं, और अगर ये हमारे साथ ना हो तो हमारे लिए कितना बुरा हो सकता है। इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगी, अगले एपिसोड को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना बैंकिंग स्ट्रांग कर सकते हैं, अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप दोनों का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।